सभी को नमस्कार। इस बड़े से पार्सल की क्विक से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये पार्सल मुझे मिला है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से, और इसमें जो है साफ साफ है, डिस्क्लेमर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी चीज़ें मिसप्लेस होती हैं, मिसिंग होती हैं, तो उसके लिए अनबॉक्सिंग ज़रूरी है, जैसे कि हमको पता ही है, और अच्छा भी है। चलो, पर यह है कि अनबॉक्सिंग तो कर देंगे, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं उसका कोई जवाब नहीं देता कि अनबॉक्सिंग करने के बाद में, वीडियो शेयर करने के बाद में हमारी प्रॉब्लम सोल्व कब होंगी वो नहीं कोई बताता। तो खैर, ऐसे इसमें एक पॉइंट और है जो मैं हर बार मैं डिस्कस करता ही हूँ, और इस पर साबित भी हो गया है कि हम जो मित्र इसमें ऑर्डर प्लेस करते हैं उसमें क्या होता है कि हमारे पास कई ऑप्शन होते हैं। जैसे कि मान लो कि 800-900 रुपये की फ्री शिपिंग मिलती है, इसको मैं रफली 1000 रुपये बोल देता हूँ। तो मान लो 1000 रुपये का आपने ऑर्डर दिया, तो अभी जो डोगा की 5-7 संग्राहक संस्करण आए, मान लो कि 5 आए हैं, तो आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं कि आप एक एक करके 5 अलग अलग ऑर्डर करें, या फिर आप जो है एक ही ऑर्डर में वो 5 कॉमिक्स ऐड करें। कैसे कोई फ़र्क पड़ता है? तो मैं कहूँगा इससे फ़र्क पड़ता है कि आपको जो है एक सेलर के लिए ये काफ़ी अच्छा हो जाता है, पब्लिशर के लिए। अदरवाइज़ फ्री शिपिंग है और इंसान तो कैसे भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है, और ये सेलर की या पब्लिशर की परेशानी हो जाती है कि वो एक एक ऑर्डर को पैक करें। इसलिए ज़्यादातर जो सेलर्स होते हैं या पब्लिशर्स होते हैं वो इस बात को इनक्रेज करते हैं कि इंसान एक कम्बाइंड बड़ा ऑर्डर प्लेस करे, और उसको कुछ एक्स्ट्रा कुछ अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहाँ संजय गुप्ता जी की वेबसाइट पर उल्टा है, और हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, मैंने और जोसफ भाई ने और जय भाई, हम तीनों ने सेम ऑर्डर प्लेस करा। और जैसे कि हमारे सबसे जो बेस्ट डील ग्रैब करने वाले जय भाई हैं, तो इस बॉक्स को खैर ऐसे रखेंगे, तो उन्होंने, मैं बताऊँगा जरा इसके नीचे निकालता हूँ, उन्होंने एक्चुअली अलग अलग ऑर्डर प्लेस करे, 5 के, मतलब मैं 10 से 5 के सीधा 5 बोल देता हूँ। और 5 में क्या हुआ कि जो है उनको पर ऑर्डर के हिसाब से अलग अलग फ्री गिफ्ट मिला, और मैंने और जोसफ भाई ने सिर्फ दो ही ऑर्डर या एक ही ऑर्डर प्लेस करा, तो हमको दो ही मिले, मुझे पता दिख रहे हैं हमें, तो इनको ऑर्डर वैल्यू नहीं दिखाई देती, वो मैं बातें करूँगा, बात टाइम बहुत कम है। इसलिए ये देखिए, दो मुझे इसमें ये मैग्नेट स्टिकर मिलते हैं, तो जय भाई को ये 7 मिले हैं, जबकि प्रोडक्ट्स मेरे ज़्यादा निकलेंगे मुझे ऐसा लगता है। उसका रीज़न आप समझ गए होंगे जो मैंने बताया अभी आपको। तो देख लेते हैं, ये एक सुपर कमांडर ध्रुव का सेट 5 होगा पूरा, ठीक है। इसको खोलने के बजाय इसमें देख लेते हैं, रोबो को 25 ब्लैक किट सेंटर काल की वापसी और दलदल और उड़ती मौत, ठीक है। तो एक मैंने पूरा 10 बॉक्स का एक कम्बाइंड सा एक कॉम्बो एक मैंने ओपन किया था। उस कॉम्बो में क्या हुआ था कि जो है 1 से लेकर 4 सेट ही थे, मतलब राजकुमार संजय गुप्ता जी के, तो वो एक कलेक्शन पूरा करने के लिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। इन फिलिंग्स का कोई यूज़ नहीं है, हटा देंगे। और ये है आरण्यक पर्व का पेपरबैक, ठीक है। तो मेरे पास में जो है इसका संग्रह संस्करण था, और इसके अलावा जो है मेरे पास में नाग पर्व का पेपर बैग था, फिर किसी भी रीजन से मुझे आदि पर्व का पेपर बैग मिला, अभी पिछले अनबॉक्सिंग में देखा होगा, तो मैंने कहा पेपर बैग का भी पूरी सीरीज पूरी कर लें। और ये हैं डोगा के वो कलेक्टेड एडिशंस, और मैं इनको एक एक कर निकाल लेता हूँ, फिर क्वालिटी चेक कर लेंगे, ठीक है। ये काफ़ी सारे निकलने वाले हैं कलेक्टेड एडिशंस, तो एक जैसे इनको स्टैक करते जाएंगे, ढेर करते जाएंगे, और जल्दी जल्दी देखेंगे, फिर एक एक को मैं बाद में ट्रीटमेंट दूंगा, क्या कौन कौन से कॉमिक शामिल हैं, क्या है क्या नहीं है, वो बात बाद में करेंगे। सिर्फ इनको एक एक करके निकाल लेते हैं, ठीक है। मैं निकाल रहा हूँ इनको एक एक करके, फिर बॉक्स को हटा करके साफ़ सुथरी टेबल पे काम किया जाएगा। तो ये एक पॉइंट मेरे को गड़बड़ लगा मामला, ठीक है। तो ये और ये पूरा जो है हमारा सुपर कमांडर ध्रुव के बिग साइज़ के हमें डाइजेस्ट मिल जाते हैं 5 हिंदी में, और एक चीज़ में जो बहुत ही मच अवेटेड थी, संपूर्ण खजाना का पेपरबैक डाइजेस्ट। अब इसके अंदर कुछ बचा नहीं है इन फिलिंग्स वगैरह के अलावा, तो इसको मैं थोड़ा सा विद दिस बटर पेपर इसको हटा देता हूँ। तो ये कि बाहर से, और अभी थोड़ा सा हल्का बारिश जैसा भी हो गया था माहौल, उससे बचने के लिए इसको बाहर निकाल देते हैं। ये बाहर से ना, एक तो ये बॉक्स वगैरह पहले से गंदे होते हैं, इनमें छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, फंजाई के वो हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, स्मेल वगैरह आती है, और ये बाकी कॉमिक्स को भी डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि
संक्रमण से एक से दूसरे में फैलता, तो कोई कीड़े वगैरह है तो एक से दूसरे में। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर मैं एक एक प्रोडक्ट भी एक एक ऑर्डर में करता, क्योंकि शायद 700-800 रुपये के ऊपर फ्री शिपिंग होती है, तो ये कम से कम 10-12 ऑर्डर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो ऐसा, उनकी एक प्रवृत्ति होती है, पता नहीं क्या एक। और अब तो चलो ये तो फिर भी कुछ नहीं है, ये होता था कि बड़े ऑर्डर्स को हमेशा ही डिसकरेज किया जाता है, पब्लिशर के द्वारा भी, सेलर के द्वारा भी। इसकी सारी स्टोरीज आप मेरे पुराने अनबॉक्सिंग वीडियो जान पाएंगे, तो ये देख लीजिए आप, ये खजाना खुद देखिए, 1400 रुपये का है संपूर्ण खजाना। मैंने एक को अंदर से नहीं दिखाऊंगा एक एक, बस सिर्फ, चलो यार सॉरी, आई एम सॉरी, दिखाना चाहिए मुझे। रीज़न ये है कि जो है क्वालिटी, मतलब सिर्फ वैसे ही ख़राब नहीं आ सकती कि चीज़ आए ना ख़राब, कुछ डैमेज भी हो सकता है, पर मैं इक्विप करूँगा, मतलब है ना, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगाया जाएगा। तो खजाना का देखिए, ये खुद जो है 1400 रुपये का है। अब इसमें जो भी डिस्काउंट मिला होगा, और न्यू प्रोडक्ट्स है वो पता है, ये बहुत कम डिस्काउंट मिलता है। और इन्होंने जो परसेंटेज भी, जो पहले 20% की सेल दिया करते थे, वो 18% ही हो चुकी है, और उस पर भी चीज़ शामिल नहीं होती थी फिर, 18, 14, 16 ऐसा कुछ होता है, तो बहुत कम कर दिए जो परसेंटेज वगैरह या जो भी हो। कवर बड़ा आकर्षक लग रहा है, हेमंत कुमार जी बनाया हुआ, और यही कारण रहा इसको लेने का। और इसके कितने वेरियंट मेरे पास हैं, इसके कोई आपको नॉलेज होगा, मनोज गुप्ता जी का संग्रह संस्करण है, मनोज गुप्ता जी के पेपर बैग्स हैं, वो भी डबल कॉपीज़ में हैं। और कल ही मैंने ओल्ड RC वाले भी मैंने अनबॉक्स करके आपको दिखाए थे। तो इसमें सिर्फ इतना आता है कि पहली कॉमिक्स फिशर पिक शादी भी इसमें शामिल की गई, अच्छी क्वालिटी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में दिया है। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स आप देखेंगे तो मैं एक एक प्रोडक्ट का एक एक ऑर्डर कर सकता था, जैसे एक संपूर्ण खजाना का ऑर्डर अलग हो सकता था इजीली, और विद फ्री शिपिंग। और कम से कम मेरे जो है 8 से 10 वैसे स्टिकर आते हैं, 7 तो खुद जय भाई को मिले 7 स्टिकर्स। इनको ना ऑर्डर वैल्यू सच में समझ नहीं आती, इनको इतना तो होश होना चाहिए यार कि आप ऑर्डर वैल्यू देख लो ना, क्योंकि ऑर्डर तो 700 रुपये का भी ऑर्डर होता है, 7000 का भी ऑर्डर होता है, उसको थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए। 10,000 से ऊपर MRP का ऑर्डर होगा, थोड़ा सा ना ये सेंस कम नज़र आता है इनमें, पहले भी ऐसा हो रखा है, खैर कोई बात नहीं। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, ऐसा नहीं होता तो आश्चर्य होता। तो ये सुपर कमांडो दुर्ग के बिग साइज के डाइजेस्ट, डाइजेस्ट नंबर 1, 2, 3, ये देखिए डाइजेस्ट नंबर 3, अनुपम सिन्हा जी के बनाए हुए नए इस कवर हैं इसके, और यही इनके खासियत है। चाहे खजाना देख लो, चाहे ये सुपर कमांडो दुर्ग के डाइजेस्ट देख लो आप, खासियत सिर्फ एक ही है, अनुपम सिन्हा जी के जो नए बनाए कवर हैं, एक तरीके से समझ लो कि आपने नए पोस्टर्स का संग्रह किया है ना, और मिनिमलिज्म को फॉलो किया गया है इसमें संजय गुप्ता जी के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये सारे इसमें से एक था मेरे पास ड्रो का डाइजेस्ट वन, और इसके पीछे भी छोटी सी एक स्टोरी थी कि रेगुलर साइज़ के जो डाइजेस्ट थे तो संजय गुप्ता जी ने उनका मूल्य भी 600 रुपये रखा था, और जो बिग साइज़ के थे उनका 600 रखा था, मुझे नहीं पता था। और मैंने रेगुलर साइज़ के डाइजेस्ट 5 ऑर्डर कर दिए थे पिछली सेल में, और बिग साइज़ का सिर्फ इसका इंग्लिश का वर्जन किया था, और वो बिल्कुल अच्छा हुआ था, मतलब ऐसा लगता है भगवान मेरे साथ था, मेरा पहला रह गया था, पर अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने की जैसे कि हमारी आदत होती है, तो मैंने ये अलग से ऑर्डर किया था बाद में, जो काफ़ी मुड़ के भी आया था क्योंकि 2 अलग अलग साइज़ के प्रोडक्ट थे। खैर जो भी हो, तो ये BA डबल हो गया, तो आप सोचेंगे डबल क्यों हो गया भाई, आपने 2 से लेकर 5 तो ऑर्डर क्यों नहीं किए, क्योंकि इनके ऑफर इस तरीके के होते हैं कि डिस्काउंट सिर्फ कॉम्बो में ही देते हैं ये। अब ये देखिए डोगा के 5 कलेक्टर एडिशन से, जो काफ़ी चर्चा में रहे हैं अभी, और बहुत ही सीमित सेलर्स के पास में अवेलेबल है 5 कलेक्टर एडिशन। और इन 5 के जय भाई ने 5 अलग अलग ऑर्डर किए थे, तो इस तरीके की जो फ्री गिफ्ट मैंने कहा दिए, वो फ्री गिफ्ट छोटे छोटे से फ्री गिफ्ट से, तो ऐसे उनको ऐसे मिले हम आप जैसे एक एक के साथ में 5 हो गए, ये मान लो पूरा कॉम्बो हो गया 6 हो गया, खजाना हो गया 7 हो गया, तो सेम ऑर्डर में उनको 7 मिले थे, मुझे 2 मिले हैं, और उसके अलावा मैंने ये अलग से ऑर्डर किया, इनका कोई हिसाब नहीं, हिसाब से मेरे को 8 जितने भी होते मिलने चाहिए थे। सिंपल था, सिंपल था, कोई मतलब अनपढ़ भी लगा लेगा छोटा सा, अगर बच्चे को भी अगर आप दुकान पे बिठाओगे तो इतना गणित तो वो भी लगा लेगा कि भाई जो है 10,000 का ऑर्डर हुआ है, हमने 1,000 वाले को एक दिया है, 800 वाले को, तो उस हिसाब से पता नहीं। तो लोगों ने पूछा भी था फेसबुक के, हमें तो 1 मिला है, 2 मिला है, आपको 7 कैसे मिला है, तो उसका राज ये था। पर ये इतनी सेंस अगर इनमें डेवलप हो जाए तो इससे क्या होगा, इंसान फिर बाद में अगली बार इनको ट्रबल करेगा। अच्छा, फर्स्ट टाइम ये हुआ है जो इन्होंने कंबाइन करके भेजे, यानी जय भाई ने 5 ऑर्डर करे, 7 ऑर्डर करे, तो 7 इन्होंने कंबाइन करके भेजे, और मैंने जो है मान लो कि 2 ऑर्डर करे, दोनों कंबाइन कर दिया किसी ने 5 किए, वरना पहले तो वो अलग अलग भेजते थे, तो वो किस चीज़ को इनक्रेज कर रहे थे आपको पता है, कि वो एक एक करके परेशान हो कर करके एक एक को पूरा पैक करके एड्रेस डाल के फ्री शिपिंग में भिजवाते विद गिफ्ट, पहले आज से पहले ही बात कर रहा हूँ। और मैं और जोसेफ भाई जैसे लोग जो इनका ट्रबल कम करते हैं, ट्रबल कम कैसे करते हैं कि भाई एक साथ ही 5 पैक करते हैं, और अपना रिस्क भी बढ़ाते हैं, ये भी मैं आपको एड करूँ। जय भाई ने बोला था कि सर इसमें रिस्क होता है, रिस्क क्या होता है कि जो आपके ना एक एक करके आते हैं तो आपको रिस्क नहीं रहता,
अरे पांच एक साथ मंगाते हो ना तो ये शिपिंग में कहीं पे भी डैमेज हो सकते हैं, तो मतलब हर तरीके से आप अपना नुकसान कराते हैं। तो इनकी स्ट्रेटजी, राजकोमिक्स की जो सेलिंग वाली स्ट्रेटजी बिल्कुल ही बाकी दुनिया की सेलिंग से बिल्कुल कम्प्लीटली अलग है, हालांकि काफ़ी फ्रेश है जो बोन एंड ब्लड का जो संग्रह संस्करण ना। अच्छा मैं इनको ओपन नहीं करना चाहता था, मैं सिर्फ आपको दिखा देता कंटेंट क्या है, क्योंकि टाइम इतना कम है ना, आपको बीच में चाय पीने की भी लगा होगा मैं चाय पी रहा हूँ, तो वो था प्रॉब्लम। लेकिन अब समस्या क्या आ रही है मेरे साथ में कि इन्होंने बोला है कि आप वो बनाएंगे, तो इसमें देखो मैं आपको नोवल्टी दिखाता हूँ, स्केच कार्ड है इसको तो निकाल देनी पड़ेगी, MDF का है ग्लिटर वाला और अंदर एक और है ना। अब प्रॉब्लम ये कि इसको नहीं खोल लूँ और अगर कोई डैमेज हो गया तो फिर वो मानेंगे नहीं मानेंगे मुझे नहीं पता, हालांकि मुझे लगता नहीं इतनी फ्रेश कॉपीज़ हैं, लेकिन एक बार मैसेज हो रखा है युगारम में अंदर पेज वाइट निकल गए थे। मैंने जब मॉर्निंग में सोच रहा था कि वीडियो बनाऊँ नहीं बनाऊँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही एक मेरा शेड्यूल होता है, बहुत लिमिटेड टाइम अवेलेबल था, तो उठ करके क्या होता है इंसान उठ के मैंने चाय की चुस्की ली थोड़ा सा बैठा, तो मैंने सोचा क्यों ना उस टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए, तो मैंने वैसा दिमाग लगाया अपना, तो चाय भी मैं सीधा यहीं लेके आ गया था, तो मैंने कहा चाय पीते पीते भी कम अनुभव हो जाएगी। तो यार एक बात तो है इनके ना, संजय गुप्ता जी की तारीफ मैं शुरू से करूँगा इस बात में कि ये स्पोर्ट यूवी वगैरह है या क्या बोल सकते हैं स्लिप केस कवर, इनको मेंटेन करके तो चलते, बड़ा सुंदर लग रहा है आर्ट ये, और ये अच्छी सीरीज है बोन इन ब्लड, सबसे अच्छी सीरीज इनके अंदर अंदर ऐसा आर्ट अभी शक्ति रूपा वगैरह में भी देखा होगा आपने, और इसमें आजकल ये कमी है कि सभी में एक ही आर्ट यूज़ किया गया है, टाइम भी इससे बचता है जब भी कम टाइम में ज़्यादा कलेक्टर एडिशन निकालना संभव पाए। इनकी क्वालिटी मुझे आतंक खड़ता नागराज के जो CE आए थे उस टाइप की लगी, और वैसी ही फील आपको देंगे, अच्छे हैं। अब एक एक पेज तो देखो कोई अकाउंट कर नहीं सकता, और ऐसा कुछ यदि होता भी है तो कन्विंस हो जाएंगे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो, क्योंकि समय इतना तो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ऐसा ही दिखाया था। पर हाँ अच्छा है, एक अच्छी बात ये लगी आपको मेन जो कलेक्टर एडिशन नया आर्ट मिलता है जो इसका स्लिप केस कवर है उसमें पुराने आर्ट मिलते हैं, बट स्पोर्ट यूवी का यूज़ किया गया जो कि अच्छा लगता है, ये इसके ना जो कवर है स्लिप केस कवर इसकी थीम को जस्टिफाई करता है, काफ़ी फ्रेश लग रहा है मुझे, फ्रेश कॉपीज़ बड़ी पसंद आती है मुझे, ठीक है। एक तो ये अलग हो गया, और ये अच्छी बात है कि हमारे पास जिप लॉक है, तो इसका श्रिंक रैप हटने के बाद भी मतलब एक जो ना परंपरा एक लिहाज, जैसे हमारे ना बड़े बुजुर्गों का लिहाज होता था कि उनको नमस्ते करते थे, उनकी बात मानी आती थी, तो वैसे इसका एक लिहाज होता है कलेक्टर एडिशन का कि वो श्रिंक रैप में आए, साथ में नोवल्टीज़ आए और एक जिप लॉक में आए, तो वो एक लिहाज बना रहता है, तो बड़ा मज़ा आता है उस चीज़ को देखने में, अच्छी बात लगती है वो। सेकेंड है ना, आपसे भी इनको ऐसे ही किया जाएगा, फिर इनके पेपर बैग्स भी सारे पड़े हैं, बहुत कुछ है, कंपेयर करा जाएगा अच्छे से। और सारे प्रोडक्ट मुझे ना आई के चाहिए, ये जो प्रोडक्ट थे इनका मुझे बहुत टाइम से वेट था, और कल उसने जब बस सोने का टाइम आ गया तब उसने डिलीवर करा था, उठते ही पहला काम जो है मैंने इनकी अनबॉक्सिंग करी, क्योंकि बॉक्स घर में पड़ा हुआ अनबॉक्सिंग ना हो ऐसा हो नहीं सकता, एक दो बार ये सवाल जब तबीयत वगैरह ख़राब हो तब भी इनको छोड़ा जाता है। अभी भी इससे निश्चित रूप से मेरा जो एक शेड्यूल इफेक्ट होगा, कुछ चीज़ें भागा दौड़ी करनी पड़ेंगी इसकी वजह से, बट ये ज़रूरी है। मतलब मैं सच में ये सोचा था मैं कुछ प्रोडक्ट निकालूंगा और 10 मिनट में दिखा दूंगा, पर ये संभव नहीं था उनकी पॉलिसी की वजह से। एक्सप्रेस वे ये मुझे कुछ खास नहीं लगी थी, वो बोन इन ब्लड वो सीरीज जिसमें मनोज जी का आर्टवर्क था, ये इसमें ना आपको ग्लिटर ग्लिटर सा लगेगा, ये इसका टिन बॉक्स टिन बॉक्स अच्छा है, स्लिप किस कवर होगा, मतलब ये आपको अच्छी फील देंगे। काफ़ी समय से मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, कुछ नई बुक्स मैंने ली, कुछ पुरानी बुक्स ली, पर एक बात मैं आपको सच बता दूँ, मुझे ना न्यू बुक्स में मज़ा आता है, आपसे मैं पुराने बुक्स की डीलिंग बिल्कुल बंद कर दूँगा, बिल्कुल ही बंद कर दूँगा। कल जो मैंने विक्की बाई से ली थी वो भी मैंने ले ली थी ऐसे ही, पर मैंने सोचा कि वो सब लगभग अननेसेसरी परचेज था, ठीक है, तो अच्छी क्वालिटी में है स्पोर्टी में न्यू चीज़ें, और है ना संजय गुप्ता जी एक एस्थेटिक्स का ध्यान रखते हैं, क्योंकि आप इतनी सारी बुक्स, अब ये अच्छा लग रहा है, मतलब इसमें ना वो है ग्लिटरी ग्लिटरी सा है इस पर बड़ा अच्छा, अच्छा ग्लिटरी में भी ये स्पोर्टी हुई है, देखो ग्लिटरी में भी स्पोर्टी हुई है इस पर, ग्लिटर ग्लिटर का इस पर अच्छा है, मतलब ये ना लेने सोच रहा था मैं काफ़ी, मैंने मना भी कर रहा था जय को दोस्तों को, मैं कहा यार तुम कहाँ फंसवा रहे हो, मैं कहा यार इसमें इतना पैसा लग जाएगा, क्योंकि आपने इस और ये ऑर्डर वैल्यू काफ़ी महंगी पड़ती है, ये जो मैंने लिया है अभी बहुत कॉस्टली पड़ता है ये सारे मिलकर के, और बहुत डिस्काउंट्स भी काफ़ी कम कर दिए, जैसे 10% रेगुलर डिस्काउंट होता है, फिर भी 20% का नॉर्मल हम मान के चलते थे, तो 10 को ये 5 का डालते हैं है ना, 20 को 14 का डालते हैं, तो ऐसे करके मैंने कहा छोड़ो इन चीज़ों को, तो बोले कि सर ले लो इसी वेबसाइट से, बाद में यदि आपको लेना होगा तो परेशानी आएगी। फिर मैंने कहा आतंक करता ऐसा हाल ना हो जाए, आतंक करता में क्या हुआ था, बाद में कोई 40% नहीं ले रहा था, पर जो भी हो पर है ना ये एक अच्छा, ये फटा हुआ कैसे, फिर कोई बात पर ठीक है, मतलब मेरा काम कम हो गया ना क्या, संपूर्ण होगा ना, हाँ ये भी एक बेटर है, मतलब
एक तो बोन एंड ब्लड मेरी फेवरेट रहेगी मनोज यादव की वजह से। ग्लिटर वाला खाली एक्सप्रेस वे में दिखा मुझे अभी तक। चाकू को साइड में रखते हैं, ये प्रोडक्ट सच में ना आई के चाहिए तो मज़ा आएगा। मतलब हैं एस्थेटिक है इनमें, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। और उन्मूलन का कवर सुंदर बनाया था एक, एक्चुअली जो अभी बोन एंड ब्लड का मैंने कवर देखा था और इसके अलावा उन्मूलन कवर देखा हूँ, तो जो मुझे पता है कि कैसी ये कॉमिक्स बनी हुई है, कैसे इनके पहले कवर्स थे, कैसी थी ये कॉमिक्स, तो वो फ्रेशनेस है। मतलब जैसी ये अंदर सीरीज ना, जो इनके कवर्स है, जो इनका आर्ट है, जैसी ये है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो वो फ्रेशनेस आपको इसके कवर में दिखेगी। बना आजकल क्या हो रहा है कि बड़ा एक सुंदर सा चित्र बना दो और उसको आप संग्राहक संस्करण या किसी भी कॉमिक से कवर के लिए यूज़ कर लो। आपने ये सुपर कॉन्टर ध्रुव के डायस्ट देखे होंगे, मनोज गुप्ता जी जो डायस्ट थे उसमें, हाँ ध्रुव के वो जो कॉमिक्स का ये इसमें स्केच वगैरह आप थोड़ा प्लीज़ एक बार ऐसे देख लेना। मैं इन नॉवल्टीज़ को मैं बाद में करूँगा ना, एक बार मैं इनको एक एक ही संग्राहक संस्करण को एक बार मिलूँगा और उसके पेपर भी रखेंगे अपन, तो थोड़ा अच्छे से हो पाएगा। देखो ये छूट गया इसका, तो वही है इसमें नया आर्ट, यहाँ पर वही पुराना, पुराना मतलब सब में सेम। और बड़ा सुंदर इसके पेज वगैरह काफ़ी सुंदर है, जैसी पेपर वर्क आई थी। और इसमें पहले पुराना आर्ट यूज़ किया गया पर वो काफ़ी सुंदर लग रहा है, मतलब ठीक है। उन्मूलन का और बॉन इन ब्लड का सीई बहुत पसंद आया मुझे, और पेपर वर्क्स लेकर के आराम से करेंगे थोड़ी चर्चा इस पर। मैंने ये स्टोरीज पढ़ी भी रखी हैं, तो उस लिहाज से थोड़ा थोड़ा करेंगे उसको, थोड़ा पेज देखेंगे, थोड़े कवर देखेंगे, थोड़ा इसका एक्स्ट्रा कंटेंट देखेंगे, और नॉवल्टीज़ को मैं आपको तब दिखाऊंगा। हालांकि कुछ आपको दिख रही है पर अच्छे से नहीं दिख पा रही होंगी, बस इसको ज़्यादा नहीं खींचा जाएगा, मेरा फिर जो ऑफिस जाने टाइम से गड़बड़ हो जाएगा। तो कल के दिन में मुझे 4 पार्सल मिले एग्जैक्टली। खैर ये है डोगा हिंदू, डोगा हिंदू है, अच्छा इसकी शिंकरें फटी हुई है पर अच्छी बात, इन्होंने चेक करके भेजा होगा। डोगा हिंदू है बोन ब्लड यार, हाँ ये डोगा हिंदू है में भी मनोजी का आर्ट रखा है, ठीक है ये अच्छी, और ये सुंदर बनाए रे भाई डोगा हिंदू है का कवर, मतलब ये है भाई साहब बहुत अच्छे। ये जो है ना ललित जगदीप, ललित जी का कवर गजब। तो डोगा हिंदू है स्पोर्टिव वगैरह सब कुछ वही बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, अंदर वो आर्ट है। और ये खोलने में अच्छा लगा रहा है, इसको पढ़ सकते हो, ऐसा लगता है इसको पढ़ा जा सकता है, हालांकि पेपर बैग का तो इसको क्यों ख़राब करेंगे अपन, चेक करके भेजा अच्छी बात। डोगा हिंदू है जो है ना वो उसमें एक्चुअली 5 कॉमिक्स हैं और ये अच्छी मनोज जी बनाई हुई है, और बोन एंड ब्लड में भी 3+2 थी, उसमें 5 थी लेकिन वो एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन नहीं थी, मतलब 5 ये असली सीरीज है। और इसका भी है ना डोगा उन्मूलन डोगा हिंदू अच्छा है यार, इसका कवर भी वापस रिप्रेजेंट कर रहा पूरा को, मतलब इनके कवर वैसे नहीं है, मतलब एक थीम पकड़ी है जो अच्छी लगती है। मुझे पसंद आया ये कंटेंट, कुछ भी इसमें इस पर अच्छा हुआ कि डैमेज की पॉसिबिलिटी ना हो, इसे इसको भी समझना चाहिए, वो चेक करके भिजवाते हैं ना इसमें उसका उनका फ़ायदा है। जैसे मान लो कंबाइनर मेरे को 8-7 ऐसे छोटे मोटे मैग्नेट शील्ड दे देते, 2 तो उन्होंने दिए, तो अपना मन क्या करता है और इनक्रेज होता है कि यार पब्लिशर को परेशान मत हो, आप ना कंबाइंड ही ऑर्डर करो, ठीक है जो भी हो, पर ये थोड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, ठीक ठीक। ये डोगा के सीरीज बाद में चाहे कितने परसेंट में अवेलेबल हूँ, अभी तो जो भी एक मिनिमम परसेंटेज मिल गए हैं, पर अच्छा है। मतलब ये इनका जो प्रेजेंटेशन है ना, एक सिंक रैप है, ये पॉलीबैग है, ये भी फटा हुआ है, आई थिंक चेक किया हुआ है, फटा हुआ मुझे, मैंने हटाया ही फालतू यार इसको। मतलब जल्दबाजी की हद होती है, मतलब अदरवाइज इस तरह से कटा हुआ है तो आपको इसको हटाने की जरूरत नहीं थी, ये काफ़ी अच्छे से प्रोडक्ट रहता। और एक बात और, नया तरीका पता लगा कि जब भी सिंक रैप आए तो यहाँ से कट कर लो, तो आपका ये क्या बोल सकते हैं इसको स्लिप केस ख़राब नहीं होता, वृद्ध बारियर। ये भी स्पोर्टिव भी अदर चाचा वगैरह अच्छा लग रहा है, फ्रेशनेस तो है इन 5 सीईज, ये एस्थेटिकली काफ़ी सुंदर है। और इस पर अच्छा लगा, कहीं पे भी कंडीशन वगैरह में इन्होंने काफ़ी ध्यान दिया है, क्योंकि डैमेज कॉपीज देखो कोई भी लेना पसंद नहीं करता, तो आप किसी भी सेल में दोगे तो इंसान परेशान हो गई, मेरे ऐसे रिटर्न कोशिश करेगा कई तरह के, क्योंकि फेसबुक पे वगैरह पे आपका नाम ख़राब होगा, घुमा फिरा कि जितना आप केयरफुल रहोगे उतना ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो इसमें नॉवल्टीज वगैरह की तो जो बात थी मेरी बात मैंने कर दी, लेकिन हाँ इस बार इन्होंने शायद काफ़ी केयरफुली काम किया है। नॉवल्टीज़ की बात बाद में करेंगे, पेपर वेक से कंपेयर भी करेंगे, सारे पेपर वेक भी पड़ी है अपने पास में, और इनको जो है अच्छे से थोड़ा कंटेंट भी देखेंगे, ग्रीन पेज वगैरह फ्रंट पेज जो भी उनको देखा जाएगा। तो ये मैंने 5 के 5 आपको डोगा के संघर्ष दिखा दिए, मेरा भी चेक हो गया अच्छे से ना, टाइमिंग मेरी जितनी लिमिटेड थी वो लिमिट पूरी हो चुकी है, अब आरण्य पर्व में चेक करना है कुछ भी नहीं है, बस स्टैंडी को निकाल देता हूँ, रीज़न ये ख़राब करता है कॉमिक्स को, ठीक है ना, पहली बात ही।
और तो स्टैंड हट जाएगा इसमें से, और मैट फिनिश वाला कवर अच्छा है, इसका पेपर भी काफ़ी खूबसूरत लगा था मुझे। एक्चुअली मैंने इसका कॉम्बो ऑर्डर किया था अनंत पर्व का, और मैंने राहुल भाई मेरे मित्र हैं तो उनको मैंने दिया था वो कॉम्बो, उसमें से पेपर मुझे नहीं चाहिए था उस वक्त क्योंकि मैं सिर्फ संग्राह संशोधन कलेक्ट कर रहा था। लेकिन जो है फिर बाद में मेरे पास ऐसा कुछ संयोग बने, संजय गुप्ता जी की सेल से मैंने लिया था नाग पर्व का, तो अनंत पर्व भी यहाँ से ले लिया। आदि पर्व का एक कॉम्बो मैंने किसी और एक सेलर से लिया था, तो उसको मैंने एक कर लिया। मुझे इसके पेपर वर्क भी काफ़ी पसंद है। अब इतना सा है, एक छोटा सा ये बस्ता है, इसको देख लेते हैं। 5 का ये सेट है संजय गुप्ता जी का, जब 60-60 रुपये के मनोज जी लाए थे तब 500-100 रुपये के लाए थे विदाउट नोवल्टीज, और मेरे को हंसी भी आई थी, मेरे को सोचे कौन लेगा विदाउट नोवल्टीज, बट लिए मैंने ही लिए, मैंने कौन लेगा वो मैं ही था। एक छोटी सी बात शेयर करता हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, कि हैरी पॉटर 3 जो था ना, अज़्कबान की कैदी, प्रिजनर ऑफ अज़्कबान, उसमें हैरी पॉटर एक बार सिचुएशन में काफ़ी फंस जाता है, जब उसको काफ़ी मरने की सिचुएशन आती है तो उसको कोई बचाता है दूर से, तो उसको लगता है कि जो है उनके फादर ने उनको बचाया, क्योंकि ऐसा ही कुछ इंसिडेंस होता है, उनको फादर से अपीयरेंस आता है और पूरी मूवी। फिर बाद में उसे टाइम ट्रेवल का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, लास्ट में हैरी पॉटर पता रहता है वो मैं ही था, मुझे बचाने वाला मैं ही था, ऐसा कुछ लास्ट में उसका डायलॉग भी आता है जब वो फिल्म ख़त्म होती है, या फिल्म ख़त्म नहीं होती वो कुछ हैरी पॉटर हरमाइनी वो बकबीक पे उड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी ये था, मैं हंस रहा था शुरू में जब 100-100 रुपये के उन्होंने निकाले, मैंने कहा अच्छा इधर 60 रुपये का विद स्टिकर मिल रहे हैं और विद क्या बोल सकते हैं डिस्काउंट्स मिल रही हैं, तो इनकी 100-100 कौन लेगा, और बाद में मुझे पता लगा वो मैं ही था, मतलब मैंने लिए कौन। खैर तो इसी साथ इस अनबॉक्सिंग एंड करता हूँ, आई होप कि आपको ये अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। अभी तक तो मैंने बिग साइज़ वाले तो आपको दिखाई भी नहीं अच्छे से, उनको भी कंपेयर किया जाएगा, तो करेंगे टाइम निकाल निकाल करके स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे। अंत तक बनाने के लिए और सपोर्ट करने के लिए सभी को धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।